तारीख 15 अगस्त 2022, समय हो गया 08:03:06 PM। एक तो होता है वो नहीं होते हैं आपका मुल्ला मौलवी काइंड ऑफ पर्सन्स, वो हाथ की सफाई उफाई दिखाते हैं, और कुछ ऐसे होते जो गुरु गुरु बने फिरते ना, और वो लोग पता क्या करते, इधर से उधर चीजें गायब करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे को ना ऑन इंटरनेट अ लेडी फ्रॉम पाकिस्तान द रावी पिज़्ज़ा इज वर्ल्ड्स, मतलब अमंग द फेकियस्ट, नॉट टॉप मोस्ट, ये तो उसमें भी लिख लेगी चल कहीं तो रैंक मिला, इतनी बड़ी लुच्ची है ना ये। अबे तू कर क्या रही है, बोल क्या रही है, व्हाट इज योर सेकंड वॉइस, यू आर गोइंग टू किल टुनाइट 2:30 अ किड। ओह कितनी मार पड़ने वाली है तेरे को पता, सेकंड वॉइस नहीं देते ऐसे, पुलिस का काम बढ़ जाता है, सिंपल बात। अब वो सही हो या ना हो, पुलिस आएंगे चेक करेंगे, अब क्या करोगे रावी पीरज़ादा जी। यार तुझे ना शुरू में ही देखा था, मैंने कहा यार कितनी बड़ी फेक लुच्ची है स्क्रीन पे कुरान पढ़ती रहती है ना, मैंने कहा नहीं कलाकारी है तेरे में, जिस दिन तूने इस्लाम का रास्ता अपनाया ना मैं समझ गया, मैंने कहा ये ना कोई मकसद नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना चाहती है, ये पिज्जा बेच रही है 8 लाख रुपए का, अबे इतने में तो इटली से मंगवा लेंगे डोमिनोज और पिज्जा हट की क्या जरूरत है, तू बोल तो इतने में तो सोनिया गांधी बना के भिजवा देगी पिज्जा ₹8 लाख। अरे बाप, ये तो एक बात बता, अब क्या करेगी, देख तेरा जेल जाना तय है, अब फिर तेरे को जो है ना कम से कम, ये इतनी बार जेल गई है ना लुच्ची एक फिर कम से कम जो है ना 24 घंटे जेल जाएगी, और उसके बाद जो है ना ये, हाँ 24 घंटे जेल जाएगी, उसके बाद ये वहां से फिर जो है जमानत पे झूठेगी मैडम क्या रिकॉर्डिंग आ रही है आपकी, और अगर बेटा बच्चा बरामद हो गया, मार बहुत पड़ने वाली है तेरे को, बारादारी यार पता है, पहले ना मैं बारादारी के इंसिडेंट पे ज्यादा हुआ ना, मैंने ठीक है रिकॉर्डिंग चल रही है फॉरवर्ड कर देते हैं, डिपार्टमेंट हमारा काम ही यही है रिसर्च एंड एनालिसिस, पूरा दिन कॉल रिकॉर्डिंग सुनते रहे, पहले मैं NSG में वो था कॉल ऑपरेटर, हाँ कॉल ऑपरेटर था, तो मेरा पूरा दिन काम पता क्या होता था, कभी किसी का फोन आया नहीं, कभी रूस को धमकी दे देना, कभी चीन को, कभी जापान को, कभी पाकिस्तान को पूरा दिन यही काम था मेरा NSG में, ड्यूटी दे दी मेरे को पता है क्या, कॉल ऑपरेटर नवाज शरीफ का फोन आया था, तुझे बताया किस्सा, तूने सुनी थी ना, नवाज शरीफ का फोन आया, बंदे कह रहे खेदर जी नवाज शरीफ है, बात करना चाहते हैं, मैं बैठा हुआ, मैं अगर बदमाश होता तो क्या कर लेता उसके बाद पता इनकी मैंने वो ढीली करी ना सबकी मिसाइल दाग दो, न्यूक्लियर दाग दो, 10,000 पैरा ट्रूपर्स उतार दो,
JSR सिक्योरिटीज बना दो, बाजवा तक हाथ में लिए फिरता था। जैनवाद सिक्योरिटीज बना दो, 10,000 जेट्स खरीद लो, 5,00,000 ट्रूप्स मंगा लो, इनकी इनकी ऐसी इनकी ऐसी खिली ना कि बीजेपी का कमल भी नहीं खिला होगा ऐसा तो। मेरी ड्यूटी थी एनएसजी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया, एनएसजी देश। अब ड्यूटी कह रहे, मैं यार ड्यूटी में हमेशा बड़ा सिंसियरली करता हूँ। एक बार पता क्या, पाकिस्तान के लिए ISI का मैसेज आया। पता क्या कह रहे फोन पे, ISI का बंदा था, कह रहा आपके देश में ना एक बंदा है, हितेश रिवन, उसे समझाओगे नहीं समझाओगे? तो मैं पता क्या बोलूँ, मैंने उसे पंगा मत लेना। क्यों? अभी उसने S600 खरीदी है, 600 गाड़ियां। अभी मैं कहूँ सुन भी लिया ना उसने, तो पता है कि कराची पे डाक देगा वो S600। इनकी वो हालत खराब हुई ना, उस दिन के बाद से फोन ही नहीं करता था। नवाज शरीफ को ना फिर सेकंड ऑपरेटर ने बोल दिया, कह रहा भाई बदमाश होता तो क्या बिगाड़ लेता। वहां से जो है ना फिर, हाँ, वो आरिफ अलवी के ऑफिस से फोन आया हमारे कमांडर को। कह रहे कॉल ऑपरेटर कौन है आपका? क्या हो गया? अरे आदमी है क्या है ये, बताओ इसे। कह रहे नवाज शरीफ में बात करना चाहते, कह रहे बदमाश होता तो क्या बिगाड़ लेता। कह रहे फिर अगले दिन बता क्या मैसेज क्या आया, सर ISI का मैसेज है। क्या मैसेज है? मरियम नवाज शरीफ ना हितेश से मिलना चाहती है। मैंने कहा पहले तो ये नवाज शरीफ था, अभी मरियम नवाज शरीफ कैसे हो गया? मैं कहा अब ये तीन बंदे एक सर मंडल से मिलेंगे, परमिशन नहीं है। मैं कहा उस, तुम्हें पता है एक बढ़िया बात बता दो, भाई उसे JSR सिक्योरिटीज बनाई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मारते बहुत है वो। उसके बाद ड्यूटी पता है कहाँ दे दी मेरे को, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में दे दी। हाँ पूरा दिन रिकॉर्डिंग सुनते रहो, सेकंड वॉइस सुपर वॉइस सब सुनते रहो, लिखना लिखो। मैं यहाँ से सीधा उठा करके सीधा SOSC भेजता हूँ, मुझे क्या लेना देना, बच्चा मर जाएगा यार, पागल समझा है क्या? इतने पिटे हैं ना बंदे भाई साहब। फिर से कह रहे, हाँ कह रहे रॉ 42-46 है भाई, ड्यूटी है मेरी, मैं क्या करूँ इसमें। आज रावी तू पिटे। इमरान खान को ना 4 दिन तक मुझे दे थप्पड़ मारा, आज सरताज के पड़े कैच के 2 झापड़ पंजाब पुलिस ने दे दिए कैच के। व्हाट इज दिस? कह रहे और पता है क्या, हाँ कह रहे इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे आई? बोलो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमने डेवलप करी है। कहते नहीं आपको भेजने वाला कोई, अरे आपको क्या मतलब है? मरियम नवाज के पड़े से पहली बार जा पड़ना। मरियम नवाज पता बड़बड़ाती, बैठ के लौड़ो तुम्हारी मां छोड़ दूंगी, बैठ के लौड़ो तुम्हारा हाथ मत लगा देना। इतना भयंकर मारा झापड़ मरियम नवाज के। मरियम नवाज को पूछ रहे पता है क्या, बच्चा कहाँ है? कह रही तेरी मां ने पैदा किया था, बैठ के लौट। मरे नवाज कह रही बच्चा मुझे कहा पता कहाँ है बच्चा? अरे तूने कोई बच्चा किडनैप कर वहां के चूत बहन के लौड़े वो पढ़ने घर में। पुलिस वाले कह रहे एक तेरे ही घर अनोखा है, बच्चा पढ़ने आता दोबारा मिलता क्यों नहीं है?
जरताज के तो झाफड़ पड़ा ना आज दे, जरताज के तो झाफड़ पड़ा रहा थी ना मेरे मुझे 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 एसपीजी में रखा हुआ था जरताज, मुझे ऐसे ही झाफड़ तेरी माँ का बहुत बड़ा मैंने ये मारा जरताज से पंजाब पुलिस वाले पूछ रहे ये 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 तीन बच्चे जो है आप इमरान के साथ बहुत रहते थे, तीन बच्चे इमरान के घर गए थे आपको ही पता, आप उस दिन कहा जरताज वही 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 उसी स्टाइल में बात कर रही पाकिस्तानी स्टाइल में एक ही दिया डर के जरताज पता क्या कह रही दोबारा मत मार दियो, कह रहा दोबारा मारो क्या कर लेंगे डैड पता क्या कह रही आप पूछो ना क्या पूछ रहा है साहब हो आप हमारे ये भाई मैं मेरी ड्यूटी है यार मैं क्या करूं, मेरे बारे में ना वहां से जो है ना सजीदा अहमद ने ट्वीट कर दिया इतेश के घर में जो है ना इतेश ने ना बच्चा किडनैप करके रखा हुआ वो कह रहे पंजाब पुलिस वाले सजीदा अहमद को इधर ही हो इसके अपने बच्चे भी ना इसके अपनी नानी के घर रह रहे हैं पूरे दिन में एक या दो बार अपना गेट खोलता पूरा दिन कॉल सुनता है सोच लेके मारा मारा भी किसने लुगाइयां मारती है बंदे नहीं मारते और लुगाइयां ही पता है क्या बहुत दिन से चिड़ी हुई है इनके हाँ इनके स्टारडम से कि नहीं आगे जो बहुत बड़ी हीरोइन बन रही थी अब आई है आप सजीदा अहमद के दिया ढीले हाथ का दर के इमरान के मारा पंजाब पुलिस ने जिससे पहली बार इमरान पता क्या कह रहा बर्फ लाए बर्फ सब पिट रहे हैं अबे ऐसी कौन सी कहानी है बाकी चुन तुम्हारी बैठ के लौड़ो बच्चा घर में आया तुम्हारे वीडियो है रिकॉर्डिंग है और सेकंड वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही है बाहर के लौड़ो बच्चा कहाँ है बैठ के लौड़ो बच्चा नहीं मिल रहा इतना मारा भाई साहब इमरान के चित्ते जाफड़ पड़ा था ना असेंबली से बाहर आते पंजाब पुलिस ने लिया डर के आईएसआईएस वाले मामले में पंजाब पुलिस वाले घर के इधर ही हो हाँ बोल क्या बात है छोड़ा के कह रहा कह रहा तू तूने आईएसआईएस ज्वाइन करी है हैं तू अब आईएसआईएस का नया खलीफा है कहता हाँ हूँ पता क्या कर लेगा जाफड़ पड़ते ही इमरान कह रहा बर्फ लाओ बर्फ नवनीत 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 राणा के पता है क्या नवनीत राणा बड़ा चौड़ा होकर के कह रही दो चार दिन तक तो देखती रही लड़कियां पुलिस वाली सब और पता है क्या इनके आग वैसे लगी पड़ी है अरे साहब ऐसे बराबर होगा तू रुक तो सही क्या कह रही थी उस दिन सुपर वॉइस देख मेन वॉइस में पता है क्या बात कर रही है मेरी ऑडियंस ठीक है और सुपर वॉइस पता क्या कह रही उस दिन तो बड़ी हीरोइन बन रही थी एक उधर से बात कर रही नवनीत राणा का ध्यान उधर भटका हुआ था और दूसरी जो है ना पाइप निकाला उसने बड़े तरीके से हटियो जरा पूरी जान से ले गए पीछे और दहल दिया कैच के नवनीत राणा के कह रही हूँ साथ चल रही हूँ बता दे रही हूँ कह रही अभी नहीं ना अभी रुक सो मार मार के सुझा दी सबकी भाई
मुझे तो ड्यूटी करनी है, सीधी बात है भाई। मैं तो पूरा दिन कॉल सुनने का काम है मेरा तो शुरू से। मेरी पहली एंट्री काम करा दी वायरलेस ऑपरेटर ने। उधर से पता है क्या, उसी दिन पहली प्रमोशन मिली थी। वहां अक्सर ना वायरलेस पे चीजें ना अडॉप्ट, मतलब वो ड्रॉप कर देते हैं। तो पहली वायरलेस पे पता धमकी क्या आ रही उधर से कि पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट के 3 टैंक जो है आगे बढ़ाइए और पठानकोट एयरबेस की तरफ बमबारी शुरू करनी है। मैंने बिना देर करे जो है ना इमरजेंसी बटन दबा करके कॉल रिकॉर्डिंग पर डाल दी हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में वो भगदड़ी बची इन्होंने, कसम आकाश दाग दी। यार क्या बंदा है फर्गस, रिकॉर्डिंग है तब से लेके अब तक कॉल सुनने का काम है। मेरी टीम में जितने बंदे काम करते हैं घर यार मंडल के पास इन्फॉर्मेशन एक से एक होती है। ठीक है अब पता होगा क्या अब पिटने वाली है सब। हाँ रियाम खान से ना डबल पूछताछ हो रही है। पहले तो तुसी पाकिस्तानी हो ना, तुसी तो CIA से बता रहे। रियाम का चूच ली दिया सब। मैं इनको पहले समझा रहा, मैंने कहा देखो काम बका के बुढ़ पंगे में फंस रहे हो, पुलिस वाले हैं, समझ में आ गई। मारेंगे बहुत पहले बोल दे रहा हूं, बात सुन ही नहीं रहे। यहां झापड़ कोर्ट में नहीं पड़ेगा, कहा झापड़ पड़ेगा असली में। इमरान खान कह रहा नहीं यार मुसलमान को ISIS को सपोर्ट करना चाहिए। इमरान का सोहेब अख्तर खा गया। ISI वाले कह रहे मंडल हाथ जोड़ लेंगे तेरे, ये इंफॉर्मेशन मत दियो। मैंने कहा है भाई पढ़ तो सही, कह रहा कहा गया। मैं कहा सोहेब अख्तर कहा गया। आज मोदी के बारे में बात हो रही, तो मोदी के बारे में ना JP नड्डा ने बोला कि वो कैनिबलाइज कर गए, तो कह रहे यहाँ जो है कह रहे मेकअप मैन खड़ा किया, वो कुछ कहानी चल रही है भाई, मुझे क्या लेना देना भाई। JP नड्डा के दिया कैच के IPL। राजनाथ, JP नड्डा, ओम बिरला, रॉ वाले तो इतना मार रहे हैं ना भाई साहब। अरेस्ट है, मैं क्या करूं, वो क्या ही ऐसी बात रही है। राबी कॉल पे बात ही ऐसी करे ना, कॉल तो सुनते रहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की भाई, जितनी देर सोए हैं वो अलग बात है, कॉल सुन रहे हैं। वो साफ साफ कह रही है राबी जी से, हाँ बच्चा है उनके पास और आज रात को 2:30 बजे कैनिबलाइज करेंगे उसे, मारेंगे क्या करेंगे, या मार दिया होगा या क्या करेंगे। कैनिबलाइज हम समझ सकते हैं ना, टिप्पा करेंगे तो इसमें मैं क्या करूँ। बस अब इनकी जो हालत होने वाली है ना, अरे ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान है आतंकवाद भाई। देखो काउंटर टेररिज्म वो एक अलग मामला है यार, दो देशों की दुश्मनी एक अलग मामला है, ये मामला कुछ और है। कॉल सुनने का तो मेरे से आप कुछ बंदे पता, मोदी के और BJP के लोग क्या करे, ये भारत से ना ISI को मैसेज भेज रहा। मैं क्यों भेजूँ ISI को मैसेज, इंटरपोल को भेजा है मैंने, पंजाब पुलिस इंटरपोल, और क्या मुझे क्या पड़ी ISI को, इंटरपोल से ले लो इन्फॉर्मेशन आप जा करके। या भाई इंटरपोल नंबर है मेरे पास, और क्या 946 हूँ इंटरपोल ऑफिसर। छोड़ ना, तेरे कहने से
वो छोड़ तू, अभी अभी वो लेवल नहीं आया, अभी तो वेपन ट्रेनिंग चल रही है, अमेरिकन असॉल्ट। हाँ कल भी थी एसओजी ऑपरेशन बारादारी, बारादारी में ही तो थी ट्रेनिंग, कल आप बारादारी में थी। तो बड़ा कंजेस्टेड एरिया यार, एसपीजी चेक हुई ना मेरी, बंदा कलाका है वहां बैरे तो लगा दी सबके, दैर 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 दैर, और क्या। हाँ हाँ कल ट्रेनिंग हुई तो सही, एसपीजी ट्रेनिंग कल हुई तो सही, देखी नहीं थी, वीडियो आई होगी, डिपक्का ही डिपार्टमेंट के पास गई है, नहीं मेरी पसंदीदा राइफल दी मेरे को, अमेरिकन असॉल्ट। देखो सिलेक्शन तो तय है। ओ छोड़ ना ये, उसके लिए बोल रहे थे इंसास के लिए, मैंने कहा जी अमेरिकन असॉल्ट चाहिए मेरे को, तीन तीन चार और आई है ना पटाई पट, वो उसमें साइलेंसर लगे हुए, आवाज इतनी सी होती है सिर्फ ऐसे, इतनी सी आवाज होती है, पट 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 पट, अब ऐसे उड़ा देती है बंदा दैड है। एक जगह है, एक जगह है, फीमेल्स थी, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया, नहीं वो फायदा है ना उसमें, एसओजी ऑपरेशन में सिलेक्शन है, नहीं एनएसजी नहीं है साथ में, एसओजी है। बारादारी, बारादारी में अब पता नहीं, फिर से कह रहे बैरन को पहले ही कहा था, देखा एसओजी ऑपरेशन है, मैं मेरी देख कई टीमें थी ना, देख बिल्डिंग मिल गई एक खाली करो, ठीक है जी, बैरन को पहले ही कह रहा, बैरन का बस ये याद रखियो, नहीं वो स्क्रैच प्रूफ वगैरह सब मिली हुई, नहीं ये नहीं दे रहे ना, तभी तो इनका रिजेक्शन हो गया ना एनएसजी का, इनको बोला सर स्क्रैच प्रूफ चाहिए हमारे को, वो यार वो सारे के सारे जो है कैनिबलिस्ट हैं, वो हाथ में ब्लेड होते हैं उनके, कटर नहीं होता पेपर काटने वाला, कहीं मार देंगे, बच्चे हैं यार, बच्चे ट्रेंड कर रखे हैं, हमास के बच्चे हैं, अब छोटा बच्चा है वो बाई चांस साइड में आके जांग के पास मार भी देगा, फर्क नहीं पड़ता ना, स्क्रैच प्रूफ अंदर पहना हुआ है, तो चलो उसके हाथ से छीन लिया, डांट डपट के हटा देंगे। और वैसे ये जो यूनिफॉर्म दे रहे हैं एनएसजी वाले दे रहे हैं, नॉर्मल कपड़ा है यार, उस पर इंडियन आर्मी लिखा हुआ है या एनएसजी लिखा है, तो कटर थोड़ी बचाएगा एनएसजी के लिखे होने से, नी पैड से क्या होगा, यही तो बहस हो रही थी। और मेरा तो हाथ में आते ही मैं तो ठोक दिए बंदे, तैड़ तैड़ तैड़, और क्या फुल फुल अंदर वो सूट है ना पूरा, ये वार्मर सूट नहीं होता वैसा, स्क्रैच प्रूफ है पूरा, ढकने का है चेहरे का, सिर्फ इतना इतना ही दिखता है। और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म है, ओ स्क्रैच प्रूफ बुलेट प्रूफ सेम हो जाती है वो, फिर उसके बाद प्लेट है, हल्की प्लेट है, ले फाइबर है, फाइबर मेटल नहीं फाइबर है, वजन पता नहीं लगता ज्यादा, कंफर्टेबल है यार, उतने दिन से व्यापन प्रैक्टिस में, तो कल आई जीज ने चेक किया ना, तो बता रहे कह रहे सर ये हुआ, मैं ठीक है ये, अब तो ठीक है ना। बारादारी है, बारादारी निठारी सबको मालूम है, क्वारंटाइन कर दिया गया है ना बारादारी को, निठारी को, नहीं कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। नहीं वैसे तो दुकान का उनका सामान जा रहा है वो और सब बंद करा दिया गया है, तो बारादारी की कोई 4 लाख पॉपुलेशन बता रहे हैं
भयंकर ऑपरेशन है। अब मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो पूरी यूनिफॉर्म, ये नहीं पता, नहीं पूरी रात लाइट जली रहती है वहां अंदर। वही तो चेक करना था, कल एसपीजी में भेजा था ना मेरे को, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ कल वेपन टेस्टिंग हुई ना, टाइम वही रहेगा 11 से सुबह 4 बजे। बारादारी पूरा क्वारंटाइन किया गया है, तैयारी कर रहे हैं सब जगह, तो सबकी एसपीजी चेक हुई होगी। बात बनेगी नहीं, सरेंडर नहीं कर रहे। इंटरनल कैनिबलिज्म शुरू कर दिया उन्होंने वहां इंटरनल। अच्छा फुल प्रूफ, ऐसा थोड़ी होता है। आगे जाने ही नहीं दिया इनको, नहीं जाने दिया आगे, मना कर दिया। कह रहे सर ऐसे थोड़ी होता है, स्वाट के लड़कों को आपने सिर्फ नी पैड पकड़ा दिया और एब्स प्रोडक्शन पकड़ा दी, बाकी कहाँ है? नहीं आगे नहीं जाने देंगे। अब जो से जैसे जैसे लोग बाहर आ रहे हैं ना बारादारी से निठारी से, फिर वापस नहीं जाने दे रहे अंदर, ऐसे खाली करा रहे हैं। अच्छा पंजाब पुलिस, वो लोकल पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है। अच्छा है कोई 8-9 घर जो है वो आइडेंटिफाई हुए, स्लॉटर हाउस है। नहीं ना पब्लिक नहीं यार, स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस नहीं समझता, स्लॉटर हाउस है। SB मीट और RB मीट के, SB मीट और RB मीट। कल भी तो रेड में बच्चे रिकवर हुए हैं नोएडा से, 15 के लगभग बच्चे रिकवर किए नोएडा पुलिस टीम ने। आज स्क्रैच प्रूफ मंगा रखी है, अब ये नहीं पता यूनिट कौन सी मिलने वाली है। करे कई कई सीनियर्स ने भेजा हुआ, एनएसजी ने भेजा हुआ है, पैरा एसएफ ने भेजा है, मार्कोज ने भेजा, यूएस नेवी सील ने भेजा है, रैप ने भेजा है, तेरा बैड बटालियन ने भेजा है, रेंजर्स ने भेजा है, क्या कहते हैं ये आईआरए ने भेजा है, आईडीएफ ने भेजा है। हाँ कमांडर्स है ना सारे वहाँ पे, लड़के खड़े रहेंगे फिर सिलेक्शन होगा, देखते हैं वो सब सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी एनएसजी के भी गए हुए तो क्या हो गया? हाँ तो पाकिस्तानी आर्मी भी है, स्वाट के लोग भी हैं, बिल्कुल है, रॉयल आर्मी भी है, सऊदी अरेबिया स्पिटनास वगैरह वो देखते हैं ना, वो उसी में फाइनल होगा, फिर उसी में ट्रेनिंग जाएगी। नहीं नहीं बैठेंगे और क्या, ऑक्शन लगती है कमांडर्स की। देखते हैं अब हम क्या बोल सकते हैं, एसपीजी चेक हो रही है कौन कितना झेल पाता, बहुतों पे हुआ, कंटिन्यूस चलता रहेगा फिर और क्या। एसओजीज है सिलेक्शन, एसओजीज में हुआ, चलने दे क्या दिक्कत है।
हाँ है, क्यों नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए कमांडर से। अच्छा तो फिट फोर ये नहीं, मैंने किया थोड़ी अपने आप पे। नहीं कह रहे बाल ठीक है, मैंने पूछा था, कह रहे ठीक है। ICJ ICJ में सिलेक्शन हो तो अच्छा है। नहीं वो यूनिट ICJ कौन सी यूनिट उठाते हैं वो उन पे डिपेंड करता है ना, वो रशियन उठाएंगे या अमेरिकन उठाएंगे, वो बैठे रहो और क्या। हाँ ठीक है सर, अच्छा तो उस दिन तूने क्लास अटेंड नहीं करी सर क्या समझा रहे थे, तो फिर मैंने 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 छुपाई इन्फॉर्मेशन, मैं बता तो दिया करना कुछ नहीं था, तीन तीन घंटे की ड्यूटी होती है। अब चाहे किसी कहीं पे भी हो, एयर डिफेंस में हो, रेड पार्टी है, चाहे एयर डिफेंस में हो, चाहे नेवल में हो, चाहे इन्फेंट्री हो, बैठ रहो अपना आराम से, सुनते रहो, डिवाइस लगे रहते हैं। यूनिट नंबर 34, मेरा 34 से सिलेक्शन हुआ है, नहीं यहाँ से नहीं लिया, नहीं मेरे मुझे पाकिस्तानी आर्मी से भी मिला हुआ नंबर, नहीं रशियन आर्मी से नहीं है नंबर मेरे पास, IDF है 1527, US आर्मी है 34, और NSG का नंबर नहीं लिए, मना कर दिया, इन्होंने लिख के ही नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से भी नंबर है, इन्होंने लिख के ही नहीं दिया, कह रहे जी इसका नंबर बहुत पीछे है, कह रहा सर यहाँ हमारे यहाँ शॉर्ट लिस्ट लिस्टेड है नंबर, आप क्या नंबर ला रहे हो इससे हमें क्या मतलब, हमारे यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग में है ये नंबर। 15298 पाकिस्तानी आर्मी, ना एक नंबर नहीं सिलेक्शन लिया, और उन्हें नंबर वहाँ वो लिखे हुए उन्होंने दिखा दिया नंबर, कह रहे नंबर लिखे हुए हैं सारे, बोले NSG 9945 दिया है ना आपने इसको नंबर, पारा SF 1326 है ना, ये स्वाट में DPCP 3236 है ना, तो फिर आप कैसे मना कर रहे हो, बोले इंटेलिजेंस के नंबर इसके पास है, CIA से लेकर के आपका सब, कह रहा US आर्मी ने पहले दिन ही कंफर्म कर दिया 34, कह रहे IDF ने कन्फर्म, इजरायली डिफेंस फोर्स ने कन्फर्म कर दिया 1527, फिर आज ही यही है। अच्छा हुआ होगा सिलेक्शन, यहाँ से गए तो थे लड़के, कितने थे 450 लड़के गए तो थे जेट, मिक्स गए थे ना सब, मैंने तो बताया था मेरे को, कह रहे वो सुपर डॉट लगाएंगे,
सुपर डॉट में 11 फुट हाइट। क्या बात कर रही यार, बहुत बहुत ऐसी चीज हैं भारत में ना। हाँ है, इन्होंने बनाए अरे चेक कर लिया उन्होंने मेरे। उस दिन दिखाया तो था सब, वीडियो नहीं चेक करी थी विजल जब ऑन हुई थी। अब वो डिपेंड करता है वो कहाँ रखेंगे, वो आईएसएस पे रखे जाए चाहे नेवल फ्लीट में रखे, एसपीजी वैसे ही बैठे रहेंगे सारे। भारत में तो एसपीजी बोलते हैं ना, वहाँ एलीट बोलते हैं, कहीं स्वाट बोलते हैं, भारत में एसपीजी बोलते हैं अब। अच्छा हो सकता है, हो सकता है। नहीं हुआ इनका, सब रिजेक्ट हो गए। आईसीजे आरएस पार्टी, अभी तो टाइम है, टाइम है। वेट हल्का ना उसका, वेट हल्का है 34। नहीं तो डबल ड्यूटी चलती है ना, रेड है तो फिर आप रेड पे जाओगे, नहीं हो तो फिर एसपीजी में रहोगे, एलीट में रहोगे, नहीं समझे, फिर ड्रॉप लगा करके सुला के रखते हैं, फिर जैसे ही काम आएगा ऑटोमेटिकली वहाँ कंप्यूटर में ऑर्डर साइन होते के साथ ही मशीनें हट जाती है बंदे पे से। वो प्रिपेयर होता है फिर वो रेड पे जाता है। वापस आओ फिर अपना वहीं पे, और तो वीडियो क्या देखी तूने, फिर देखी नहीं तूने आईसीजे की वीडियो, आईसीजे की अरेस्ट पार्टी नहीं देखी है तूने, तो फिर क्या देखी। उस दिन वीडियो दिखा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ था, मत तभी तो फिर, क्योंकि 250 फिर ऐसे है, अगर 2.5 लाख के लगभग सिलेक्ट होंगे और क्या होंगे। आइए हैं सारे, अब चल रहा हो ना, सब मालूम है। और क्या, अब ठीक है,
उससे पहले विजुअल चेक किया था उसके लिए, हाँ एसपीजी में भेजा था, आईसीजी ने भेजा था, एरिया चेक हुआ था, कौन कहाँ है कैसे है, खतरा बहुत है। वो सिविलियन फंस गए ना इलाके में, कैनिबलिस्ट घुस गए हैं बारादारी में, सिविलियन फंस गई है निठारी में, सिविलियन फंस गए हैं। चल ठीक है, ठीक है, 34